बहमनी हॉस्पिटल तो आप सब जानते हैं अपनी क्वालिटी वर्क और अपने डेडिकेटेड सर्विस के साथ वो जाना जाता है सालों से। इस एरिया के अंदर एक डिमांड थी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की, इसी को चलते हुए बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया गया है। इसका इनॉग्रेशन हुआ हाफिज मोहम्मद सैयद अली अल हुसैनी साहब के हाथों, जहाँ पर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल MLA सेडम कर्नाटका मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद रहे। प्रसाद बहमनी ग्रुप की टीम यहाँ पर मौजूद रही। खास बात आपको बताते हैं कि एक सर्विसेज जो आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिल रही हैं वो है एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा केयर, एमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, एनेस्थेलॉजी, इंटेंसिव केयर, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, साइकेट्री, कार्डियोलॉजी एंड 2D एको, पल्मोनोलॉजी, चेस्ट मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, सर्जिकल एंड मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑनको एंड ट्यूमर सर्जरी, यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से लेकर ENT, नेफ्रोलॉजी और क्लिनिकल लैबोरेटरी 24/7, फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विसेज, फिजियोथेरेपी और डिजिटल एक्सरे, यानी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही हॉस्पिटल अंडर वन रूफ आपको ये सारे सर्विसेज दिए जा रहे हैं बाय बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। यहाँ पर खास तौर पर हम बता रहे हैं जनाब मैनेजिंग पार्टनर्स डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली कमठान, डॉक्टर मोहम्मद इरफान महगवी, डॉक्टर सैयद नातिक हुसैन। एड्रेस है बिसाइड ओल्ड बहमनी हॉस्पिटल नियर हफ गुम्बद, बहमनी चौक, गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम। आज बहमनी हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पर खुला है, बहुत ही बेहतरीन यूनिट है। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मेडिकल एजुकेशन भी मौजूद है, आप ही के साथ आज इनॉग्रेशन अमल में आया है और मैं तीनों डॉक्टरों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर नातिक साहब को दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि गुलबर्गा के इस इलाके में शायद इसकी ज़रूरत थी। क्रिटिकल केयर जो कि एक बहुत ही ज़रूरी इमरजेंसी फैसिलिटी होती है और जल्द से जल्द पहुँचने के लिए वक्त लग सकता है, गुलबर्गा में ट्रैफिक भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये काफ़ी बड़ा इलाका है, रोज़ा और अतराफ़ के जितने बड़े इलाके हैं यहाँ केटर हो सकते हैं बहमनी में, तो मैं इनको मुबारकबादी देने के साथ सब लोगों से कहूँगा कि अगर ये फैसिलिटी देखेंगे तो इसकी भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं और अल्लाह ताला वैसे तो सबकी हिफाजत फरमाएँ। बहमनी क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पर इनॉग्रेशन साहब के आज अली बाबा के हाथ से हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर नातिक, डॉक्टर आसिफ एंड डॉक्टर इरफान तीनों मिल के एक अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे हफ्त कुंबस पे एरिया पे जो क्रिटिकल केयर का जो ये हॉस्पिटल शुरू किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसे तो बहमनी बहुत सालों से है हॉस्पिटल, लेकिन उसका एक्सटेंशन है ये जो क्रिटिकल केयर है, क्योंकि अभी इमरजेंसी हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है और यहाँ पे इस एरिया में शायद ही कोई ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट नहीं है, तो इसलिए इसका फ़ायदा हमारे शहर के लोगों को होगा। और अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने ये बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आज इनॉग्रेट किया है और इस हॉस्पिटल के ज़रिए हम गुलबर्गा के आवाम को और जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको अच्छी से अच्छी सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से पेशेंट को गुलबर्गा से कहीं बाहर जाना ना पड़े और जितने अच्छे पैमाने पे हो सके उनका इलाज यहाँ पर हो। इसके लिए एक बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया है और इस हॉस्पिटल में मेन जो रहेगा हमारा ICU है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, जिसमें सारे मशीन्स जैसे कि वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स और HFNC मशीन्स
ये अवेलेबल है और हमारी इंटेंसिविस्ट की टीम है जो 24/7 काम करेगी क्रिटिकल पेशेंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जिसको करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रॉमा के अंदर एक है गोल्डन आवर, ये एक ऐसा आवर है जिसके अंदर पेशेंट को या तो हम खो सकते हैं या बचा सकते हैं। उस नीयत के साथ, उस जज्बे के साथ और उस फिकर के साथ हम लोग एक ऐसा सेंटर खोले हैं जहाँ पे जो भी ट्रॉमा रहेगा, हाई एनर्जी ट्रॉमा रहेगा, जीरियाट्रिक फॉल रहेगा, घर में कोई ट्रॉमा रहेगा, एक्सीडेंट्स रहेंगे, उनको यहाँ पे 4-बेडेड कैजुअल्टी है और उनको स्टेबिलाइज करने के लिए 10-12-बेडेड ICU है विद वेंटिलेटरी सपोर्ट और इंटेंसिविस्ट अराउंड द क्लॉक अवेलेबल है। ट्रॉमा ये नहीं है कि उसको जैसे ही आ जाए कि उसको सर्जरी किया जाए, उनको पहले स्टेबिलाइज करना होता है। उसके लिए हमारे पास ICU है और एक वेल इक्विप्ड मेजर ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर सीआम की सहूलत है, जिसके अंदर ऑल हाई एंड सर्जरीज किए जा सकते हैं, फिर पोस्ट ऑप केयर के लिए भी यहाँ पे सहूलत मुहैया है। इमरजेंसी भी हम लोग हैंडल करेंगे 24 आवर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं बहमनी हॉस्पिटल एक गुलबर्गा में हेल्थ केयर सर्विस में पिछले 25 साल से जो है ना खिदमत अंजाम देता जा रहा है और पिछले 15 साल से मैं और डॉक्टर आसिफ कमथान और हमारे दूसरे डॉक्टर साथी जो है ना बहमनी हॉस्पिटल में हम लोग सर्विस दे रहे थे। अब एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हम लोग क्रिटिकल केयर ट्रॉमा को जो है ना कवर करना है, ठीक है, तो उसमें नॉर्थ गुलबर्गा में अगर आप देखेंगे तो एक हॉस्पिटल डिज़ाइन हॉस्पिटल जो है ना अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे अपने साथी जो शरीफ बिल्डर्स हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की न्यू हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और क्योंकि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था तो हम लोग हाई इक्विपमेंट्स, जैसा अभी आपने सवाल पूछा कि वेंटिलेटरी सपोर्ट, जो हाई एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट है, आसिफ सर ने जैसा बताया चेनफो है, नाथिर सर ने जो बताया ऑर्थोपेडिक है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसके साथ साथ जो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर ये बोलना चाहूँगा कि बहमनी हॉस्पिटल ट्राइड टेस्टेड जो ब्रांड है गुलबर्गा में वो माना जाता है कि अपनी अच्छी सर्विस एक रिजनेबल कॉस्ट में देने के लिए, तो वो चीज़ की भी एक कमी हम तीनों को महसूस होती थी कि जो है शायद हेल्थ केयर सेक्टर में जो है ना हम अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में, जहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे टर्शियरी केयर को जो है ना हम सपोर्ट देंगे। तो बहमनी जिस चीज़ के लिए जाना जाता है इंशाल्लाह हम वो चीज़ भी करेंगे, साथ ही साथ जो क्रिटिकल केयर ट्रॉमा है अब उसमें जो है ना हम इंशाल्लाह लोगों को प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा बहमनी पिछले 25 साल से सर्विस दे रहा है, क्योंकि जब बहमनी हॉस्पिटल की बात आती है तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता है कि बहमनी एक ज़माने से लोगों को हॉस्पिटल सर्विस देता है, तो खास करके इस जो आपके पास जो सर्विस अपडेट हुई है, जो स्कोप अपडेट हुआ है, उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, एक चीज़ जो हमारे अपने यहाँ पे नॉर्थ एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब कई सारे गायनेकोलॉजिस्ट आ गए हैं। अब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो सेटअप है रेगुलर नॉर्मल डिलीवरीज और सीजेरियन सेक्शन हो रहे हैं। कभी कभी आप लोग मीडिया में सुनते हैं कि इमीडिएट जो है ना कॉम्प्लिकेशन आ गई प्रेगनेंसी में, उनको जो है ना ICU में शिफ्ट करना पड़ रहा है, या जो है ना माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना है या दोनों की जान खतरे में है, तो उस सिचुएशन में जो है ना कोई भी एक सेंटर नॉर्थ में अभी तक अवेलेबल नहीं था। तो हमारा ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, हम लोग अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी फोकस करते हुए अगर कभी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि जहाँ पे उनको इंटेंसिव केयर होना है मदर और चाइल्ड के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्विस भी हम जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके इस मीडिया के थ्रू मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पुलिस का और हमारी अपनी कॉरपोरेशन टीम का और मीडिया लोगों का और गुलबर्गा के जितने भी बड़े हमारे मैं नाम नाम जो है ना सबका ले लूँगा तो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी, जितने भी हमारे रिश्तेदार दोस्त और हमारे अपने अहबाब हैं जिन्होंने आके हमारी दुआओं में हमारा साथ दिया, मैं उन सबका जो है ना आपके इस मीडिया के थ्रू शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
Thank you for watching GoHash. Like, share and subscribe our channel.